देखिए, फिल्में समाज का दर्पण होती हैं। फिल्मों से पता चलता है कि उस कालखंड में, उस देश में, उस समाज में क्या कुछ चल रहा था, सामाजिक रीति रिवाज कैसे थे, वहाँ की संस्कृति कैसी थी। संस्कृति में सभी चीज़ें आ जाती हैं, वहाँ के रहन सहन से लेकर के खान पान से लेकर के विचारधारा, सब कुछ आ जाते हैं संस्कृति की जब बात करते हैं। तो फिल्में बहुत सशक्त माध्यम होती हैं। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर विश्वविद्यालय, जिसे पूर्व में आगरा विश्वविद्यालय भी कहा जाता था, और ग्लैमर लाइफ फिल्म्स के संयुक्त तत्वाधान में यह 5वां ग्लोबल ताज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 3, 4, 5 नवंबर को आयोजित होने जा रहा है। पहले जो भी फिल्म ग्लोबल ताज फेस्टिवल ये ऑर्गेनाइज किया जाता रहा है, उनमें अंतर्राष्ट्रीय प्रविष्टियां बहुत बड़े पैमाने पर आती रही हैं। इसका मतलब कि एक देश में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे भी यह महोत्सव, फिल्म महोत्सव, संस्कृति के आदान प्रदान का एक सशक्त माध्यम बन चुका है। और पिछले वर्षों की सफलता को ध्यान में रखते हुए मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि 2023 में भी जो 3, 4, 5 नवंबर को यह ग्लोबल ताज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजित होने जा रहा है, यह निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति को वैश्विक स्तर पे ले जाएगा और वैश्विक संस्कृति को आगरा और आसपास के लोगों को माने वैश्विक संस्कृति से परिचित कराएगा।